फार्म हाउस पे आए हैं इस पे बिल्कुल देख के किस तरह से इतनी फ्रेश हवा है, प्रदूषण का कोई नामो निशान ही नहीं है। फार्म हाउस में इतनी तो हरियाली है, लोग इतने आराम से रहते हैं, अपना मेहनत करते हैं, सब कुछ यहीं मिल जाता है इनको। यहाँ सब्जी है चाहे अनाज है, ज़रूरत की हर चीज़ इनको मिल जाती है। एक जो चाय है जो बहुत कम लोग पीते हैं, वो नशा होता है, वो बाहर से लानी पड़ती। बाकी ये लोग बताते हैं हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कितना मज़ा है, कितनी सुकून भरी लाइफ है। इनके दिमाग में किसी तरह का कोई टेंशन तो रहता ही नहीं है, ज़्यादा दिमाग पे स्ट्रेस डालने की ज़रूरत रहती नहीं है। मैं तो खुद ही सोच रहा हूँ अब से गांव में, गांव की लाइफ जीने लग जाए तो कितना अच्छा रहेगा। बहुत ही शानदार यहाँ का वातावरण रहता है, यहाँ का रहन सहन खान पान सब शुद्ध मिलेगा, चाहे घी दूध से लेके सब्जी अनाज किसी चीज़ में कोई मिलावट का तो नाम ही नहीं है। बहुत ही अच्छी और सुंदर लाइफ होती है गांव की। आप भी देखिए और आनंद उठाइए इस लाइफ का। देखिए ग्रामीण लाइफ में आपको बाजार जाने की जरूरत नहीं है, जरूरत की सारी चीजें हमें यही मिल जाती है। देखिए ये बच्ची अभी खाना बनाएंगे तो ये अपने खेत में से तोरू की सब्जी तुरई जो है वो तोड़ के ले जा रही है और इससे अभी खाना बनेगा। आपको इस वीडियो में आगे दिखाएंगे हम किस तरह ग्रामीण अपना खाना पकाते हैं और कितना टेस्टी होता है वो खाना। देखो ये सब्जी, यहाँ किसी सब्जी की कमी नहीं रहती, हर दिन फ्रेश नई ताज़ा सब्जियाँ खाते हैं। ये देखिए बैंगन की सब्जी, अभी फ्रेश बैंगन ले रहे हैं ये। राम राम सा, राम राम सा, राम राम सा, राम राम। कई नाम है सर आप? मारो नाम जयराम है सर। अच्छा जयराम जी, हाँ हाथ में कहीं लियोड़ो हो? हाँ पंखी है सर, हवा खाने वास्ते। अच्छा कहीं काम आवे सर? हाँ तब पे देना हवा खाओ इन। अच्छा मतलब आप स्थानीय पंख है? हाँ मारे पंख आई थे। अच्छा अच्छा तो आप कितनी उम्र होगा? मैं हूँ 25 साल रहा। अच्छा किन तरह कोई दवाई वगैरह ले रहे हो? मैं दवाई हाल तो कहीं नहीं ली सर। अच्छा अच्छा कोई तरह दवाई नहीं ले रहे हो? अच्छा तो आपने किन तरह कोई तकलीफ लागे? माने तो की तकलीफ को तकलीफ नहीं। अच्छा आप रो रेवास में आबार देखियो तो इन तरह आप रहो? हाँ झोंपड़ा बनियोड़ा है? हाँ झोंपड़ा ने झोंपड़ियों ने बनियोड़ी है। हाँ इसमें आपको सर्दी गर्मी सब मौसम में आप आराम से रह सकते हो? हाँ गर्मी ज़्यादा गर्म भी नहीं रहते, सर्दियों में गर्म रहते हैं। हाँ अच्छा बरसात भी नहीं आती। देखिए इनके जो ये घर है इनमें झोंपड़े टाइप बने हुए हैं, इसमें बिल्कुल मौसम एकदम जैसे गर्मी के मौसम हम आए हैं तो बिल्कुल ठंडा है अंदर से, बिल्कुल हवा आती रहती है और इनको किसी पंखे की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभार गर्मी रहती है तब हम क्या करते हैं, ये इस तरह के ये पंखे होते हैं हाथ के बने हुए, इससे ये हवा खाते रहते हैं। अच्छा आप बताओ कि आप इतने 50 साल के हो गए अभी किसी तरह कोई दवाई नहीं लेते हो, आपका खान पान क्या रहता है? खान पान तो मैं तो बाजरी भोग रो थी माशा। अच्छा बाजरी की रोटी खाते हो? हाँ बाजरी की रोटी। और घी दूध? घी दूध तो मैं गाय भैया रखा तो मारो वेज है घी दूध जिमो ही। मतलब ताज़ा घी दूध आप लेते हो? हाँ देसी गाय और घी दूध ने जिमो खटी छाछ। खटी छाछ। और आप रे मतलब आटे जी को बड़ा बुजुर्ग है? हाँ कितनी उम्र रहा है ला बड़ा हूँ? बड़ा मारे भाई ये 81 साल रहा है। 81। अच्छा हम आज यही रिकॉर्ड करने आए, यही जानना चाहते हैं कि आप गांव में रहते हैं, बिल्कुल शुद्ध वातावरण है, पेड़ की छाया में बैठे रहते हैं, किसी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, कोई प्रदूषण नहीं है? नहीं।
फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी नहीं होती। इनका खान पान जो रहता है हाँ। वो बिल्कुल बाजरे की रोटी। और आप काम क्या करते हैं? तो खेती का धंधा कर रहा हूँ सर। खेती का काम करते हैं आप हाँ। लोग तो खेती के काम में इनको दिन भर ये मेहनत करते हैं। एक्सरसाइज या किसी जिम में जाने की जरूरत नहीं होती है इनको। ये अपना खेत में कभी निराई गुड़ाई करते हैं, कभी फसल बोते हैं, तो इनका सारा काम हाथ से होता रहता है। तो इनके बिल्कुल शरीर फिट है। आज हमने जाना कि गांव वाले लोग किस तरह से स्वस्थ रहते हैं। इनके स्वास्थ्य को लेकर आजकल जो शहरीकरण हो रहा है, जो लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, इनको देखकर ऐसा लगता है कि अब वापस लोगों को शहर से गांवों की ओर लौटना पड़ेगा। बिल्कुल सही है ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही बात है।